हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पर गाइस 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सभी एग्जाम में आपको ये कवर करेगा, यहाँ तक कि आपको आईएएस का पेपर दे रहे हों या आप स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हों या एसएससी का पेपर दे रहे हों या आप आरआरबी का पेपर दे रहे हों या आप गाइस सीईटी का पेपर दे रहे हों। प्यारे दोस्तों, ये कंटेंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाला है। देखते हैं आप में कितना दम है, कितना आप क्वेश्चंस बना पाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस बना लिए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने कितना बनाया 10 में से। पहला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर मेंशन। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। बताइएगा इसका उत्तर है पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर एंड पार्ट फाइव। बताएं क्या उत्तर होगा गाइस। बिल्कुल सही गाइस, यानी बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। यानी दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी राज्य को दिए गए दिशा निर्देश हैं जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 4 में है। माय मिस्टेक, संविधान के भाग 4 में है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार आपके पेपर में पूछता है। बताएं ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। बिल्कुल गाइस आंसर बताइए। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, आयरलैंड इज द राइट आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी गाइडलाइंस है और ये आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। यानी कैरनिवृत में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा जोड़ा गलत है, जवाब दीजिए। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, 41, 39A, द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, गुड जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। बताएंगे इसका उत्तर होगा ग्राम पंचायतों का संगठन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कृषि और पशुपालन संगठन, अच्छा न्याय, मुफ्त कानूनी शिक्षा। बताएंगे इसका उत्तर होगा, बिल्कुल गाइस सी इज द राइट आंसर। सी अपने आप में गलत है क्योंकि कृषि और पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल 48 में किया गया है। इस अकॉर्डिंग ये पेयर बिल्कुल गलत है, तीसरे का सी आंसर हुआ। आई होप कि आपके अभी आंसर सही बना होगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है टफ होता जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों को लेखों में समझाया गया है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में या कहां से कहां तक नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। द एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एक्सप्लेन इन द आर्टिकल, आर्टिकल 36-51, 12-35, 5-11 एंड नन ऑफ द अबव। बताएंगे इसका उत्तर होगा, बिल्कुल गाइस इज द राइट आंसर। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36-51 तक है, 12-35 के बीच में मौलिक अधिकार और 5-11 के बीच में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जवाब देने का प्रयास करें, मुझे यकीन है कि आप जवाब दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित कथनों में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही है, सही पूछ रहा है। वे नैतिक और राजनीतिक नहीं है, इसका स्वभाव समाजवादी है, ये स्वचालित रूप से राज्य में लागू होते हैं एंड उन्हें न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। बताएं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल गाइस बी इज द राइट आंसर, इनका स्वभाव समाजवादी है। बिल्कुल सही गाइस, बी इज द राइट आंसर। यानी दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। यानी आर्थिक और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख करके डीपीएसपी का फॉर्मेशन किया गया था। निर्देशक सिद्धांतों का प्रवर्तन सबसे अधिक निर्भर करता है। द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिपेंड्स मोस्ट ऑन द प्रेसिडेंट, द कोर्ट, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, कोर्ट, संसाधन और भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस पर निर्भर करता है जिससे इसे लागू किया जाए। मैंने और इजी कर दिया, बताएं। बिल्कुल गाइस सी इज द राइट आंसर, संसाधन। यानी गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेस हैं तभी गवर्नमेंट इन सिद्धांतों को लागू करेगी, और उसके पास रिसोर्सेस नहीं है तो वो इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सातवां क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन
प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक में कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रावधान किया गया, ब्राइन प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और साथियों ने सूची। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जवाब दें और साथ साथ में बताएं कि किस आर्टिकल में किया गया है। बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में किया गया और कहा गया ना तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और ना ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर करेगी, यानी न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है तथा अपने डिसीजन को लेने के लिए एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी प्रधान सिद्धांत है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधियन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बहुत ही टफ क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल और कंसेप्चुअल, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, बढ़ाएं ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करना, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुरक्षित करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बनाए दो और तीन, एक और दो, एक और तीन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर जवाब देने का प्रयास करें। बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर, यानी गांधीवादी दर्शन की बात करें तो ग्राम पंचायतों का व्यवस्थित करना गांधीवादी दर्शन में आता है और कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना यह भी गांधीवादी दर्शन में आता है, लेकिन ये गांधीवादी दर्शन में नहीं आता। इस अकॉर्डिंग आठवें का सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़े गए थे, चार ऑप्शन है, एससी एसटी आदि के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, आय में असमानताओं को कम करना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और टफ है, क्योंकि चूंकि स्टेटमेंट टाइप के हैं तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा, प्रयास करेंगे तो जरूर बनेगा। बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसे बाद में नहीं जोड़ा गया था, ये शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में मेंशन है, ये बाद में जोड़ा गया था गाइस। चलिए बिल्कुल सही, दसवां क्वेश्चन, निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी इसमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लागू किया गया, योजना आयोग, वन जीव अधिनियम 1972, 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। बताएं गाइस क्या आंसर होगा, बिल्कुल गाइस डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, अगर डीपीएसपी में मुझे लग रहा है कि 10 में से कम आपको अगर 8 क्वेश्चन अगर आप बनाने में सफल रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।